Hello, friends. Hope all of you are doing well. In today's video, we are going to discuss the part 3 of the video titled as Epithelmion by Edmund Spencer. Prior to this, we have come up with two more videos discussing the first 12 stanzas of the same poem titled as Epithelmion. In case if you have not watched those videos, I highly recommend that you go and watch those videos to have a proper clarity regarding the entire plot summary and entire concept of the poem. Also, considering the fact that the direct question has been asked for in june term in examination of 2020 that was conducted in september. the first paragraph of this poem was asked as a first question of the question paper. you can understand that how important this poem is for your examination purpose, especially for the igno students. and for those who are watching this video regarding to just understand this poem, this poem in itself is very interesting. as we have already discussed in the previous two videos of the same title, सो बिफोर वी स्टार्ट देर इज अ कपल ऑफ अनाउंसमेंट्स आई वुड लाइक टू मेक यर्स्ट अनाउंसमेंट ऑब्वियसली बिंग जो आप लोगों ने ऑलरेडी सुन चुके होंगे। गए इग्नो ने डिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन का जो फॉर्म फिलअप का लिंक है वो अपलोड कर दिया है अपने वेबसाइट में तो अब जिन लोगों ने जून टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म फिलअप नहीं किया था जिन लोगों ने पहले से सोच के रखा था कि वो डिसंबर में एग्जाम देंगे तो वो जाके इग्नो के ऑफिशियल वेबसाइट में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ठीक है थीके? सो गाइज ऑल्सो मेक श्योर दैट उन्होंने जो टाइम फ्रेम दिया है उसी उसी के अंदर ही आप फॉर्म फिलअप कर लो नहीं तो अगर आप लेट करते हो तो लेट फाइन भी हो सकता है एंड देर इज ऑलवेज अ ट्राफिक ऑफ इंटरनेट तो जितना जल्दी हो सके उन स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक फिलअप नहीं किया है वो कर लो जाके ठीक है दूसरी बात यह है कि मतलब जिन्होंने जून टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म फिलअप करा था बट एग्जाम्स में बैठ नहीं पाए ड्यू टू सम कोविड नाइन्टीन सिचुएशन और उन्होंने पर्सनली यू नो दे ऑप्टेड कि नहीं इस एग्जाम में नहीं बैठना है तो दे डोंट नीड टू डू द फॉर्म फिलअप आप लोग को फॉर्म फिलअप नहीं करना है आप लोग को कोई पेमेंट भी नहीं करना है आपको बस दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन का आपका जो एडमिट कार्ड है वो ऐसे ही आपको मिल जाएगा दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन से पहले ठीक है पेमेंट नहीं करना है आपको ओवरऑल क्योंकि आप ऑलरेडी एक बार पेमेंट कर चुके हो और लाइक तो उसका लिंक आपको ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ इग्नो में मिल जाएगा नहीं तो इस चैनल के कम्युनिटी टैब में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा जहां हमें मैंने अपलोड किया है सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स मूव ऑन टू द मेन वीडियो सो द थर्टीन स्टेंस स्टार्ट विद द लाइन्स बिहोल्ड वाइल्स बिफोर द ऑल्टर स्टेंस हियरिंग द होली प्रिस्ट डेट टू हर स्पीक्स blesseth her with his two happy hands. सो so इससे पहले ट्वेल्थ stanzas तक हम लोग को ये पता चल चुका है जो एलिजबेथ पॉइल है द ब्राइड एंड द वुड बी वाइफ ऑफ एडमन स्पेंसर वो ऑलरेडी चर्च में आ चुकी है और अभी उन दोनों का शादी होने वाला है तो इन क्रिश्चियनिटी जो क्रिश्चन वेडिंग्स हैं बेसिकली देर इज ए पेस्टर और ए फादर जो ये शादी कंडक्ट कराते हैं तो यही बताया गया है यहाँ पे कि जो प्रिस्ट है जो ये शादी कंडक्ट कराने वाले हैं वो उनके सामने प्रेजेंट हैं तो बिहोल्ड वाइल शी बिफोर द ऑल्टर स्टेंस ऑल्टर का मतलब है दोस्तों की जो क्रिश्चन वर्डिंग्स होते हैं यूजली ऑल्टर का रेफरेंस किया जाता है टू जीजस क्राइस्ट जो स्टैचू होता है या उनका जो सिंबल है क्रॉस उनके सामने खड़े होकर उनको विटनेस करा के ये शादी कराया जाता है हियरिंग द होली प्रिस्ट डेट हर टू स्पीक तो जो यहाँ पे जो यू नो ऑल द प्रोमिसेज हैं या जो भी कुछ यू नो वर्बल कम्युनिकेशन होता है टू कंडक्ट द मैरिज वो प्रिस्ट कराते हैं या फादर कराते हैं पादरी कराते हैं बेसिकली एंड यही हो रहा है यही बोला जा रहा है यहाँ पे सेकंड लाइन में एंड ब्लेस हर विथ हिज टू हैप्पीएंस तो अभी जो पादरी हैं जो प्रेस्ट हैं वो दोनों को ब्राइड और ग्रूम को ब्लेस करते हैं हाउ द रेड रोजेस फ्लश अप इन हर चिक्स एंड द प्योर स्नो विथ गुडली वर्मल स्टेन दोस्तों इससे पहले हम लोग को ये ऑलरेडी पता चल चुका है कि जो एलिजेथ बॉयल है द ब्राइड ऑफ दिस मैरिज शी इज रियली ब्लश्ड और बहुत ज्यादा खुश है शी इज वेरी एक्साइटेड तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो उनका जो चिक्स है उसमें इतना खून फ्लो कर रहा है बिकॉज ऑफ द एक्साइटमेंट दैट इट इट्स लुकिंग लाइक ए रेड रोज रेड रोज फ्लश इसका मतलब है कि ब्लड फ्लो कर रहे हैं उनके चिक्स में एंड इट्स बिकमिंग इन कलर एंड द प्योर स्नो विद गुडली वर्मिल स्टेन दोस्तों वर्मिल का जो मतलब है उसका मतलब होता है ब्रिलियंट रेड और स्कारलेट पिगमेंट लाइक क्रिमसन डाइड इन ग्रीन

पॉज कर जाते हैं वो लोग रुक जाते हैं अपना गाना बंद कर देते हैं टू वॉच एलिजथ एलिजेथ बॉयल इन सच ग्रेस एंड ब्यूटी ठीक है यही बताया जा रहा है यहाँ पे ऑफ्ट पीपिंग इन हर फेस दैट सिम्स मोर फेयर द मोर दे ऑन इट्स टेयर दोस्तों ये जो एंजल्स होते हैं जो अपना गाना पॉज करके एलिजबेथ बॉयल को देख रहे होते हैं तो यहां पे ये बताया जा रहा है कि जितना वो एलिजेथ बॉयल को देख रहे हैं उतना ज्यादा उनको देखने का उनको मन कर रहा है अब आपको ये बात समझना है कि ये जो सब रेफरेंसेस लिया जा रहा है बेसिकली इट्स अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन ऑफ स्पेंसर स्पेंसर ये सोच रहे हैं कि उनकी जो वाइफ है होने वाली वाइफ है एलिजबेथ पॉल वो इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है कि वो ये सब इमेजिनेशंस कर रहे हैं ठीक है आपको ये नहीं सोचना है कि इट्स हैपनिंग इन रियलिटी, ठीक है यहां पे दो चीजों को एक साथ लेके चल रहे हैं एडमन पेंसर बेसिकली मिस्टिसिज्म एंड रियलिटी, आपको वो बैलेंस यहां पे समझना है उसी तरह से एग्जाम्स में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है फाइन सो लेट्स मूव ऑन बट सैड आई स्टिल फास्ट ऑन द ग्राउंड आर गवर्न विद गुडली मॉडेस्टी तो यहाँ यह पे ये बताया जा रहा है कि नो no डाउट उनका जो फेस है बहुत ज्यादा फेयर लग रहा है एंड शी इज लुकिंग वेरी ग्रेसफुल एंड इवन द एंजल्स हैव टेकन अ पॉज टू स्टेर एट बट एट द सेम टाइम ये भी देखने को हम लोग को मिल रहा है कि उनकी आंखों में एक उदासी है ठीक है और उनकी जो नजर है वो जमीन की तरफ होती है इसका मतलब उनका सर झुका हुआ है बट एट द सेम टाइम ये भी पॉइंट बता रहे हैं कि उनके फेस में एक ऑनेस्टी है एक मॉडेस्टी है एक हम्बल वो है रिफ्लेक्शन है ठीक है सो दैट सर्फर्स नॉट वन लुक टू ग्लॉन्स और ये दोस्तों ये ग्लॉन्स का जो मतलब है एक्चुअली ऑप्सुलिट फॉर्म ऑफ ग्लैंस है ये एक्चुअली इट्स एक वर्ड जो ग्लैंस के लिए यूज किया जाता था पहले ग्लॉन्स ठीक है और ये का मतलब होता है अवे फ्रॉम यूजल और एक्सपेक्टेड कोर्स विच मे लेट इन द लिटिल थॉट अनसोन ठीक है वाई ब्लश ए लव टू गिव टू मी योर हैंड द प्लेच ऑफ ऑल योर पैन सिंग ए स्वीट एंजल्स अलेलुया सॉन्ग सो अलेलुया सिंह अलेलुया का मतलब होता है दोस्तों भगवान के जो तारीफ में हम लोग गाते हैं यूजली क्रिश्चियंस जो गाते हैं गॉड बी प्रेस्ड अटर इन वर्शिप और एन एक्सप्रेशन ऑफ रिजॉय बेसिकली भगवान को जब हम लोग पूछते हैं जो बेसिकली क्रिश्चियंस पूछते हैं तब वो गाना गाते हैं उसी को अलेलुया सिंह बोलते हैं ठीक है अलुलुया सॉन्ग बोलते हैं तो भगवान के जो चरणों में हम लोग समर्पित जो करते हैं जो गाना उसी को वर्शिप सॉन्ग आप बोल सकते हो बेसिकली ठीक है तो ये जो एंड के जो कुछ लाइन्स है उसको मैं समराइज कर देता हूँ आपके लिए सो so एंड में ये बताया जा रहा है कि जो ग्रूम है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब कन्फ्यूज है थोड़ा बहुत मतलब कंफ्यूज है इस बात को लेके कि मतलब अगर वो ब्लश कर रही हैं तो वो अपना हाथ शादी में क्यों दे रही हैं तो इस एंटायर पैराग्राफ को अगर आप समराइज करना चाहो फिर फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो इससे ये मतलब निकलता है कि द ब्राइट स्टैंड बिफोर द ऑल्टर एज द प्रेस्ट ऑफर्स इज ब्लैसिंग अपॉन हर एंड अपॉन द मैरिज शी ब्लासेस

And the groom's reaction to his bride's response. Her blush sends him toward another song about her beauty, but he hesitates to commit wholly to that. A shadow of doubt crosses his mind as he describes her downcast eyes as sad and wonders why making a pledge to marry him should make her blush. सो एज यूजल द थर्टीन स्टैंड आर ऑल्सो एंड विद द सेम लाइन जिससे लास्ट ट्वेल्व स्टैंडर्स एंड हो रही हैं दैट ऑल द उड्स में आंसर एंड योर अकॉर्डिंग कमिंग टू द फोर्टीन स्टैंड इट गो समथिंग लाइक लाइक दिस नाउ ऑल इज डन अब सब कुछ हो चुका है मतलब शादी परफॉर्म शादी का जो पूरा इंटायर सेरेमनी था शादी हो चुका है ब्रिंग होम द ब्राइड अगेन जो एलिजेथ बॉयल है उनको वापस घर लाया जाए ब्रिंग होम द ट्रियांप ऑफ और विक्ट्री अब ये जो शादी है उसको बेसिकली पॉइट एक विक्ट्री के साथ कंपेयर कर रहे हैं ठीक है ब्रिंग होम विथ यू द ग्लोरी ऑफ हर गेन विथ जॉइंट स्प्रिंग हर एंड विथ जॉलिटी जॉलिटी का मतलब होता है दोस्तों लाइवली एंड चेयरफुल एक्टिविटी और सेलिब्रेशन तो अब पॉइंट ये हिंट दे रहे हैं कि शादी जब अब इतना खूबसूरत तरीके से परफॉर्म हो चुका है तो अब सेलिब्रेशन का टाइम है नेवर हैड मैन मोर जॉयफुल डे देन दिस ये बहुत सही बात बोला है दोस्तों किसी की भी शादी जब होती है उससे ज़्यादा खूबसूरत दिन या उससे ज़्यादा सबसे हैप्पीएस्ट और मेमोरेबल दिन हो ही नहीं सकता तो ये एक बहुत जनरल सेंटेंस जो है वो पोइट बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं हमको ठीक है हुम हैवन वुड हीप विथ ब्लिस तो इस दिन पॉइट का ये मानना है कि हैवन भी इस दिन आपको ब्लेस करता है ठीक है बिकॉज शादी जो होता है वो एक बहुत पवित्र ओकेशन होता है जो हम सब रिलीजन्स में मानते हैं एक्चुअली नॉट इवन इन नॉट ओनली इन क्रिश्चियनिटी तो मेक फिस्ट देर फॉर नाउ ऑल दिस लिव लॉन्ग डे दिस डे फॉर एवर टू मी होली होली इज दोस्तों अब जो पॉइंट है जो पहले वो हिंड दे रहे कि सेलिब्रेशन का तो अब बोल रहे हैं कि अब ये दिन के लिए हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं बहुत बड़ा फिस्ट होने वाला है बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होने वाला है खाना पीना होने वाला है और ये दिन जो है ये दिन मेरे लिए बहुत पवित्र है होली का मतलब पवित्र होता है ठीक है पोर आउट द वाइन विदाउट रिस्ट्रेन और स्टे

यू नो यूरोपियन कंट्रीज होते हैं वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होता है तो, तो दिस पीपल आर वेरी फॉन्ड ऑफ वाइन एंड ऑल तो यहाँ पे हम लोग का सेलिब्रेशन का एक मेजर पार्ट वाइन होता है तो यहाँ पे पॉइंट यही बोल रहे हैं कि इस एंटायर ओकेशन को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग वाइन डालेंगे सबके कप्स में ठीक है एंड स्प्रिंकल ऑल द पोस्ट एंड वॉल्स विथ वाइन दैट दे मै मे स्वेट एंड ड्रंकन बी विद ऑल सो ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं पॉइंट यहाँ कि मतलब इतना मतलब वाइन हम लोग को स्प्रेड करना है या पीना है की मतलब हम लोग सब ट्रंक हैं हो जाए ठीक है क्राउन ए गॉड बैचुस विथ ए कोरोनल तो यहां पे जो गॉड बैचुस अगेन फिर से यहां पे एक पैगन गॉड का एक एल्यूशन लिया गया है गॉड बैचुस बेसिकली बताऊंगा आपको थोड़ी देर में ही इज ऑल्सो ए पैगन गॉड कैन बी ट्रीटेड एज ए पैगन गॉड एंड हाईमन ऑल्सो क्राउन विथ वेदर्स ऑफ वाइन एंड लेट द ग्रेसेस डाउंस अपॉन द रेस्ट फॉर दे कैन डू इट बेस्ट वाइल्स द मेडन्स डू देयर कैरल सिंग सो एंड में यहां पर यह बोल रहे हैं कि खाना पीना तो हो ही रहा है और इन द मेन टाइम जो मेडन्स है वो भी गाना गा रही होंगी विन द बैकग्राउंड ठीक है कैरल सॉन्ग और इस टेंसा का भी एंड सेम लाइन से हो रहा है टू विच द वु शैल आंसर एंड देयर एको रिंग सो इस टेंसा को अगर आप समराइज करना चाहो यू कैन राइट समथिंग लाइक दिस द क्रिश्चन पार्ट ऑफ द वेडिंग इज ओवर एंड द ग्रूम

ये बेसिकली एक प्रोटेस्टेंट वेडिंग है आपको पता होगा जैसे कि मैंने वीडियो के पिछले वीडियो में बताया था कि क्रिश्चियनिटी के दो पार्ट होते हैं एक कैथलिक्स होते हैं एक प्रोटेस्टेंट होते हैं तो इससे हम लोग को ये बात भी समझ में आ रहा है कि एडमन स्पेंसर जो हैं और एलिजबेथ बॉयल जो हैं वो बेसिकली प्रोटेस्टेंट हैं और ये एक एंटायर वेडिंग सेरेमनी जो हो रहा है वो प्रोटेस्टेंट वेडिंग सेरेमनी के नियम के अनुसार ही हो रहे हैं बट जब इस वेडिंग के एंड में एडमिन स्पेंसर कुछ भगवानों को याद करते हुए नजर आते हैं तो जो क्रिटिकल एनालिसिस है इसका इसमें आप ये डाल सकते हो कि यहाँ पे एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है फ्रॉम प्रोटेस्टेंट वेडिंग सेरेमनी टू पैगन रेवलरीज फॉर गैटन इज द ब्राइड्स ह्यूमिलिटी टू द एट द ऑल्टर ऑफ द क्रिश्चियन गॉड इंस्टिल ही क्राउन्स बैचुस द गॉड ऑफ वाइन एंड रेवलरी तो जैसे कि मैंने बताया दोस्तों ये गॉड ऑफ बैचूस जो है गॉड बैचस जो है ही इज बेसिकली गॉड ऑफ वाइन एंड revelry and Hymen was requesting the graces to dance. Now he wants to celebrate his triumph with wine poured out without restrain or stay and libations to the एफोर मैंशन गॉड्स तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो Edmund स्पेंसर है वो पैगन गॉड्स को बहुत ज्यादा यू नो अपीज करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत ज्यादा खुश करने की कोशिश कर रहे हैं by saying that दैट वो भगवान के नाम पे भी थोड़ा वाइन डाल रहे हैं ठीक है ही कंसिडर्स दिस डे टू बी होली फॉर हिमसेल्फ जैसे कि मैंने पॉइम को जैसे कि स्टेंजा को एक्सप्लेन करते वक्त बताया था कि स्टेंजा में जो शादी के बाद ये दिन को एडमिन स्पेंसर बहुत ज्यादा पवित्र मानते हैं पर हैप्स सीइंग इट एज एन आंसर टू हिस प्रीवियस इम्प्रिकेशन टू फीबस दैट दिस डे बिलोंग टू हिम ओनली ठीक है सो कमिंग टू द 15th stanza ऑफ द पोएम रिंग ye द बेल्स ye यंग मैन ऑफ द टाउन तो यहाँ पे पॉइट ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके शादी को सेलिब्रेट करने के लिए बेल्स को बजाया जाए बाय द यंग मैन ऑफ द टाउन एंड लीव योर वॉन्टेड लेबर्स फॉर दिस डे आपका जो भी काम था आप जो भी सोचे थे आप जो भी काम करोगे इस दिन के लिए वो काम अभी छोड़ दो आप मेरा जो ये स्पेशल डे आप उसको सेलिब्रेट करो यही यहाँ पे ऑथर या पोइट का बोलना है ठीक है दिस डे इज होली तो फिर से जो लास्ट पैराग्राफ में या लास्ट टेंजा में उन्होंने बताया था कि ये दिन उनके लिए बहुत पवित्र है उसी दिन को उसी बात को वो वापस दोहरा रहे हैं यहाँ पे डू ई राइड एड डाउन तो ये चाहते हैं कि इस दिन को मतलब इतिहास में लिखा जाए कि ये इतना पवित्र है क्योंकि इसी दिन उनका और एलिजबेथ बॉय का शादी हुआ था दैट ये फॉर एवर इट रिमेंबर मै मे दिस डे दन इज इन इस चीफेस्ट हाइट दोस्तों यहाँ पे ये यह बताया जा रहा है कि मतलब इनका जो शादी है वो बेसिकली समर के टाइम पे हुआ था तो यही बता रहे हैं कि जो सन है वो मतलब बहुत ज्यादा मतलब सनी है ये दिन और ये दिन काफी लंबा है ठीक है विथ बर्णबी द ब्राइट दोस्तों ये बार्नबी जो है वो एक एक्चुअली हिब्रू वर्ड है अभी जो हिब्रू जो लैंग्वेज है बेसिकली आप आप में से बहुत लोगों को पता होगा ऑलरेडी ये बिफोर क्राइस्ट का टाइम का लैंग्वेज है तो काफ़ी पुराना वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ ह्यूमन काइंड है और माना जाता है कि इस लैंग्वेज में बहुत सारे मिस्ट्रीज छिपे हैं जिसको हम लोग शायद किसी और वीडियो में या किसी डिटेल वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे तो आगे चलते हैं From whence declining daily by degrees, he somewhat वॉट of his heat and light. दोस्तों यहाँ पे ये जो दो सेंटेंस हैं तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि समर का महीना चल रहा है बहुत ज्यादा गर्मी है, एंड लाइक क्वाइट सनी आउट है और बहुत ज्यादा खूबसूरत दिन है ठीक है और हर दिन के साथ यहाँ पे डिग्रीज जो मतलब टेम्परेचर है जो कम हो रहा है ठीक है तो बेसिकली समर के टाइम में उनका शादी हुआ था वैन वांस द क्रैप बिहाइंड हिज बैक ही सीज बट फॉर द टाइम इट ऑल ऑर्डेंड वॉज टू चूज द लॉन्गेस्ट डे इन ऑल द ईयर एंड शॉर्टेस्ट नाइट वन लॉन्गेस्ट फिटर वेर दोस्तों यहाँ पे जो पॉइट या ऑथर हैं एडमन स्पेंसर उनके टोन में एक अफसोस हम लोग को देखने को मिल रहा है इन कुछ लाइन्स में क्योंकि वो बार बार इसी बात को दोहराते हैं कि मतलब ये दिन है जो है बहुत लंबा है बेसिकली अगर आप एशियन कंट्रीज को देखो तो यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट दिन है वो बेसिकली जून में होता है तो एंड द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर इज बेसिकली जून ट्वेंटी फर्स्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ऐसे ही मतलब वो बोल रहे हैं बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि ये दिन बहुत लंबा है इससे है ये ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर दिन लंबा होगा तो ऑब्वियसली एट द सेम टाइम रात उतना ही छोटा होने वाला है ठीक है तो अगर रात छोटा होगा तो क्या होने वाला है तो उन लोग उनका जो क्वालिटी टाइम है उनका जो मी टू टाइम है जो वो अपने एलिजबेथ बॉयल अपने ब्राइड अपने वाइफ के साथ स्पेंड करना चाहते हैं तो वो टाइम कम हो जाएगा ठीक है तो वो हर मोमेंट को ट्रेजर करना चाहते हैं यहाँ पे Yet never day so long, but late would pass. Ring ye the bells to make it wear away, and bonfires make all day. तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बात को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि हाँ इस दिन को चुन चुना गया था फॉर द ब्लिसफुल वेडिंग और इस उससे वो कुछ कर भी नहीं सकते तो इस दिन को जल्दी से जल्दी काटा जाए जल्दी पास किया जाए तो बेल्स को बजाते रहना चाहिए और बॉर्न फायर्स दिन में बॉन फायर्स करने के लिए वो सजेस्ट कर रहे हैं यूजली रात में बॉर्न फायर्स करते हैं एंड डांस अबाउट देम एंड अबाउट देम सिंग तो आप इस चीज को इमेजिन भी कर सकते हो वो फायर बीच में चल रहा है और उसके आसपास लोग डांस कर रहे हैं ठंडी के टाइम में बहुत ही खूबसूरत इमेजिनेशन है दोस्तों और इस पॉइम का इस टेंजा का एंडिंग भी इसी लाइन से किया गया है दैट ऑल द उड्स में आंसर एंड योर एकोरिन अगर आप इस टेंजा को समराइज करना चाहो तो ऐसे कुछ लिख सकते हो द ग्रूम रिएटिएट्स हिज एफर्मेशन दैट दिस डे इज होली एंड कॉल्स एवरी टू सेलिब्रेट इन रिस्पॉन्स टू द रिंगिंग ऑफ बेल्स he exults that the sun is so bright and the day is so beautiful, then changes his tone to regret as he realizes his wedding is taking place on the summer solstice, the longest day of the year, and so his niptim nuptial bliss" will be delayed all the longer, yet last only briefly. so starting the lines of stanza 16th, it goes something like this: ah, when will this long, weary day have end? एंड लैंड मी टू लीव टू कम अन टू माई लव दोस्तों ये एक सवाल है बेसिकली जो वो एडमन स्पेंसर जो है वो अपने आप से बोल रहे हैं बेसिकली अफसोस करते हुए नजर आ रहे हैं जो पिछले स्टेंसर में भी वो कर रहे थे कि वो दिन जो है वो बहुत लंबा है जून का महीना है और बहुत गर्मी का सीजन है और दिन लंबा होने से इक्वलेंटली रात छोटी हो जाती है और उसी की वजह से अब जो वापस उनका मुलाकात शादी के बाद जो उनका मुलाकात होने वाला है उनके वाइफ के साथ उनके बिथ्रॉफ के साथ वो रात के वक्त ही होने वाला है तो इसी बात का अफसोस यहाँ पे जता रहे हैं ठीक है हाउ स्लोली डू द आवर्स देयर नंबर्स पेन हाउ स्लोली डज सेट टाइम हैव फैदर्स मूव दोस्तों यहाँ पे वापस और दो सवाल से मतलब आगे बढ़ रहे हैं एडमेंस पेंसर ये बता रहे हैं कि जो ये टाइम है वो बहुत धीरे धीरे चल रहा है बेसिकली इस बात को आप इस बात से रिलेट करना चाह सकते हो कि अगर आप किसी चीज का बहुत बेसब्री से इस्तेमाल इंतजार कर रहे हो तो वो चीज़ जो टाइम जो है वो ऐसा लगता है कि वो पास हो ही नहीं रहा है तो एग्जैक्टली द सेम रेफरेंस हैज बिन मेड या कि जो टाइम है वो बहुत धीरे धीरे जा रहा है और शाम का वक्त आ नहीं रहा है

वाइफ से मिलने के लिए तो फाइनली जो है वो शाम का वक्त आ रहा होता है फ्रॉम द ईस्ट और उनको इस बात की बहुत खुशी है तो इन लाइन्स में उन्होंने यही बात को एक्सप्रेस किया है फेयर चाइल्ड ऑफ ब्यूटी ग्लोरियस लैंप ऑफ लव तो उसी शाम के वक्त को इवनिंग को उन्होंने किस बात से रिप्रेजेंट किया है किसी बात से रेफर किया है बाय से दैट फेयर चाइल्ड ऑफ ब्यूटी ग्लोरियस लैंप ऑफ लव दैट ऑल द होस्ट ऑफ हैवन इन रैंक्स टू लीड एंड द

ये रिक्वेस्ट करते हुए दिख रहे हैं कि वो अर्ज कर रहे हैं टू लाइक द फेयर चाइल्ड ऑफ ब्यूटी द ग्लोरियस लैंप ऑफ लव कि वो लोग आगे आए और टाइम को जल्दी पास करने में उनकी मदद करें ताकि कैन कंज्यूमेड तय मैरिज ताकि वो अपने वाइफ से मिल पाए एंड वो इस दिन को सेलिब्रेट कर पाए विथ वाइफ ठीक है और अगर सब समराइज करना चाहो तो यू कैन राइट समथिंग लाइक दिस द ग्रूम कंटिन्यूज हिज फ्रस्ट्रेटेड कंप्लेन दैट द डे इज टू लॉन्ग बट ग्रोज होपफुल एज ए लॉन्ग लास्ट द इवनिंग बिगिंस इट्स अराइवल सीइंग द इवनिंग स्टार्ट इन द ईस्ट ही एड्रेसेस इज एस फेयर चाइल्ड ऑफ ब्यूटी ग्लोरियस लैंप ऑफ लव जैसे कि मैंने बताया कि जब शाम का वक्त इवनिंग आ रहा होता है फ्रॉम द ईस्ट तब उनको ये ऐसे एड्रेस करते हैं कि फेयर चाइल्ड ऑफ ब्यूटी ग्लोरियस लैंप ऑफ लव अर्जिंग इट टू कम फॉरवर्ड एंड हैस्टन द टाइम फॉर द न्यूली वेट्स टू कंज्यूमेट दैर मैरिज सो द देंस सेवेंटीन स्टार्ट विद्स नाउ सीज इट एम्सल्स योर डिलाइट्स फॉर पास्ट इनाफ इज इट दैट ऑल द डे वॉज योर्स नाउ डे इज डन एंड नाइट इज नाइंग फर्स्ट नाउ ब्रिंग द ब्राइड इन टू द ब्राइडल पार्ट दोस्तों यहां पे जो मतलब पोएट हैं जो मतलब ऑथर है एडमन स्पेंसर जो ग्रूम है बेसिकली इस शादी में वो सब सिंगर्स और डांसर्स को क्या बोलते हैं ये अर्ज करते हैं कि आप आप इस वेडिंग को छोड़ के चले जाओ क्योंकि शाम का वक्त हो गया है और अभी जो टाइम है दैट इज बेसिकली फॉर द ग्रूम एंड द ब्राइड ठीक है वही बात यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं और फोर्थ लाइन में ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्राइड को आप अभी जो ब्राइडल कमरा है जो ब्राइडल रूम है वहाँ पे वापस लेके आओ

तो ये जो कंपेरिजन है अबाउट वायलट्स लिलीज ये पहले ही हम लोग देख देख चुके हैं पिछले स्टेंडर्स में जैसे कि मतलब पॉइट जो है एलिजेथ बॉयल के फिजिकल फीचर्स को कंपेयर कर रहे थे तो यहाँ पे भी बोल रहे हैं कि ऑर्डर शीट्स जो है मतलब बहुत ही अच्छे स्मेल आ रहा है जो शीट्स यूज किया है ब्राइडल बेड में उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है ठीक है बिहोल्ड हाउ गुडली माई फेयर लव डज लाइक इन प्राउड ह्यूमिलिटी तो कैसे वो बिस्तर में सोई हुई है कैसे बिस्तर में सो के इंतजार कर रही है फॉर एडमन स्पेंसर उसी बात को डिस्कस uh, कर रहे हैं यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनमें कितना ह्यूमिलिटी है ठीक है ये एंटायर जो थिंग है ऑफ हाउ दे विल कंज्यूम इट दर मैरिज इट्स नॉट एट ऑल वर्ल्ड और इसको जिस खूबसूरती से एडमन स्पेंसर ने डिस्क्राइब किया है दैट्स रियली समथिंग टू अप्लॉड फॉर आगे बढ़ते हैं दोस्तों लाइक अन टू माया वैन एज चॉफ हर टुक इन टैंप लाइंग ऑन द फ्लावरी ग्रैस ट्विक्स स्लीप एंड वेक आफ्टर शी वॉज वेरी वॉज विद बैथिंग इन द अ साइडेलियन ब्रुक नाउ इट इज नाइट ये डैमसल्स में बी गॉन एंड लिव माई लव अन दोस्तों यहाँ पे जो कुछ लाइन्स uh, आपने पढ़े हैं यहाँ पे स्पेशली जो ये वाला लाइन है लाइक अन टू माया दोस्तों ये माया जो है यह एक स्पेशल special, स्पेशली uh, आपको याद रखना है फ्रॉम एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज शी इज अगेन ए माउंटेन गॉडेस जिसका रेफरेंस यहाँ पे एल्यूशन बेसिकली uh, लिया है हेडमिन स्पेंसर ने सो so, बेसिकली uh, क्या है कि uh, इनको कंपेयर कर रहे हैं विथ एलिजबेथ बॉयल ठीक है तो एगेन यहाँ पे एक आप रेफरेंस मिलेगा कि वो एलिजबेथ बॉयल को कैसे मतलब पैटर्नाइज कर रहे हैं और यहाँ पे उनका कंपेरिजन फिर से गॉडेस माउंटेन गॉडेस के साथ कर रहे हैं तो बेसिकली माउंटेन गॉडेस का छोटा बहुत एक हिस्ट्री रहा है कि मतलब उनका जो मतलब ज्यूस के साथ उन्होंने मतलब टाइम स्पेंड किया था एंड उनका जो ज्यूस का और माया का जो बच्चा हुआ था उनका नाम हरमिस था ऑब्वियसली ही वॉज ऑल्सो वॉज ऑल्सो ए गॉड ठीक है दोस्तों यहाँ पे जो माया uh, जो है माउंटेन गॉडेस और जी उसका एल्यूशन लेने का एक अलग रीजन भी हम लोग क्रिटिकल एनालाइसिस में डाल सकते हैं इस टेंस आके बेसिकली जो डेस्पिरेशन है वो नॉट ओनली टू लाइक यू नो स्पेंड टाइम विथ इज वाइफ और टू कंज्यूम द मैरिज इट्स ऑल्सो बेसिकली ए रीजन ए प्रॉमिनेंट रीजन इज प्रोक्रिएशन

यहाँ पे जो एडमन स्पेंसर इतने ईगर हैं अपने शादी के लिए कंज्यूम्यूट कर करने के लिए तो क्रिटिक्स ने ये भी बोला यहाँ तक बोला है कि मतलब इसका एक रीजन ईगरनेस का एक रीजन ये भी हो सकता है कि वो चाहते हैं कि उनके शादी के पहले दिन ही उनकी जो वाइफ है शी स्टार्ट्स टू आई मीन लाइक शी कंसीव्स ओके तो मतलब ये सोच के कर रहे हैं मतलब कि एंटायर नाइट को स्पेंड कर रहे हैं कि मतलब जो भी बच्चा आएगा बेसिकली दैट चाइल्ड विल बी बॉर्न आउट ऑफ लव एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ समर सो अकॉर्डिंग ये माना भी जाता है अकॉर्डिंग टू लेजेंड एंड ट्रेडिशन कि जो भी बच्चा समर के टाइम पर पैदा होता है दैट ग्रोस इन टू प्रोस्पैरिटी एंड विजडम तो इस बात को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं और इसको हम लोग डाल सकते हैं एनालाइसिस में ठीक है अगर इसको समराइज करना चाहो इस टेंसा को तो ये लिख सकते हो कि द ग्रूम अरजस्ट द सिंगर्स एंड डांसेस टू लिव द वेडिंग बट टेक द ब्राइड टू अ बैड एज द डिपार्ट

that long ties labor dost at last defray and all my cares with cruel love collected has summed in one and cancelled for i spread thy poured wing over my love and me that no man may us see so dosto yahan pe jo hai finally edmund spencer uh, वेडिंग बेड में आ जाते हैं और वो इस नात रात को वेलकम करते हैं ठीक है और ये रिक्वेस्ट करते हैं रात को to protect them basically to help them spend some good time together theek hai and in thy sable mantle up a mantle as unwrap to yahan pe ye bol rahe hain ki knight ko ki unko wrap karke rakhe unko protect karke rakhe from fear of peril and foul horror fee let no false treason seek us to entrap not any dread disquiet once annoy the safety our joy so दोस्तों यहाँ पे एडमिन स्पेंसर बोल रहे हैं कि कोई भी तरह का जो मतलब disturbance है या कोई भी चीज़ जो उनको एनॉय कर सकती है या जो उनका जो टाइम है जो वो स्पेंड कर रहे हैं उसको कोई भी चीज़ डिस्टर्ब ना करे इसी बात का रिक्वेस्ट और प्रेयर कर रहे हैं बट लेट द नाइट बी काम एंड क्वाइट सम वो ये भी चाहते हैं कि रात मतलब बहुत ही ज़्यादा शांत रहे और बहुत ही ज़्यादा क्वाइट रहे ताकि एलिजबेथ पॉयल और वो जो अपने साथ जो बात कर रहे हैं जो मतलब टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल you know, हो ठीक है विदाउट टेम्पेस्चुअस स्ट्रॉम्स और सैड फ्रे लाइक एल्स वैन जब विद फ्रे एल्समीन ले वैन ही बिगट द ग्रेट टिरेन्थियन ग्रूम दोस्तों ये जो एल्यूशन है अगेन एल्समीना का वो आपको फिर से एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से याद रखना है बिकॉज एल्समीना जो होती है अकॉर्डिंग टू ग्रीक माइथोलॉजी She was the daughter of प्लाइडस ठीक है प्लाइडस की daughter होती है बेटी होती है और उनका जो होता है उनका एक relationship हो जाता है with Zeus. आपको पता होगा कि Zeus is a god of all gods, basically he is the almighty god of heaven. और उन दोनों का जो बच्चा होता है उनका नाम तो आपने बहुत सुना होगा हरकुलिस तो basically एल्समीना और Zeus के बेटे होते हैं हरकुलिस और हरकुलिस को लेकर बहुत सारे यू नो बहुत सारी स्टोरीज हैं बहुत सारे मूवीज भी आप शायद देख चुके होगा तो इस बात को आपको याद रखना है बेसिकली आपको याद भी रहेगा क्योंकि अभी जब मैंने हर का नाम मेंशन कर दिया है तो आप इस बात को रिलेट कर पाओगे आपको बस इतना याद रखना है कि यहाँ पे जो ऑथर है जो एडमन स्पेंसर है वो कंपेयर कर रहे हैं अभी मतलब कि उनका लव विथ एल्समीना एंड ज्यूस ठीक है इस तरह से मतलब वो ग्लोरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं अपने लव को और लाइक एज वैन ही विथ दस

दोस्तों ये जो स्टेंसा है इसको अगर हम लोग समराइज करना चाहें तो आप कुछ ऐसा लिख सकते हो नाइट हैज कम एट लास्ट एंड द ग्रूम आस्क नाइट टू कवर एंड प्रोटेक्ट दैम ही मेक्स अनदर कंपेरिजन टू माइथोलॉजी दिस टाइम जूज अफेयर विथ एल्सिमिना इस बात को तो आपको लिखना है अगर ये स्टेंसा एग्जाम में पूछा जाए एंड हिज अफेयर विथ नाइट हर दोस्तों ये यहाँ पे एक चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है और ये आपको मतलब आपको एक्चुअली क्रिटिकल एनालिसिस में जैसे कि मैंने पिछले स्टेंसा में बताया था कि जो एडमन स्पेंसर का डिजायर है जो डेस्पिरेशन है टू स्पेंड द टाइम विथ हिस वाइफ एट एलिजेथ बॉयल दैट इज नॉट ओनली टू कंज्यूमेट दर मैरिज बट ऑल्सो टू इंश्योर प्रोक्रिएशन प्रोक्रिएशन का मतलब हो जाता है दोस्तों कि उनको एक पोटेंशियल चाइल्ड ऑलरेडी दिख रहा होता है अपने और एलिजबेथ बॉयल के द्वारा ठीक है तो उस चीज को आप लोग को मतलब क्रिटिकली uh, एनालाइज अगर एनालिसिस पार्ट अगबर लिखते हो स्टेंसा का तो उसमें आप मेंशन कर सकते हो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि मतलब आर के जो क्वेश्चन है उसको आप तभी अटैम्प्ट कर पाओगे ठीक से जब आप पॉइम को डेप्थ में पढ़ोगे बेसिकली पॉइंट को लाइन बाय लाइन पढ़ोगे ठीक है तभी आप अटैम्प्ट कर पाओगे जैसे कि आप जून टर्म एंड एग्जामिनेशन जो सितंबर में कंडक्ट हुआ था उसमें आप देख लो जो पहला स्टेंसा है वो मतलब इस पहला स्टेंसा ऑफ दिस ऑलरेडी दिस पॉइम एपिथेलिमियन ठीक है ऑल लर्न सिस्टर्स जहां से शुरू होता है आप अगर क्वेश्चन पेपर आपने देखा है जिसको मैंने अपलोड कर रखा है अपने चैनल में तो आप देख सकते हो पहला जो पैराग्राफ है वो एपिथेलमेन से उठाया गया है तो अगर आप उसको ठीक से लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ोगे यू विल नॉट बी एबल टू फिगर आउट कि किस पॉइंट से उस किस टेंजा को डाला गया है ठीक है तो और ऐसे ये भी मैंने डिस्कस कर रखा है कि मतलब आर्टिस को कैसे अटैम्प्ट करने हैं तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डेफिनेटली आप चैनल के प्ले में जाके वो वीडियो डेफिनेटली देखो सो दिस इज ऑल एटीन स्टैंडर्स अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं और लास्ट जो वीडियो निकलेगा इसका उसमें हम लोग आखिरी के छह स्टैंडर्स को डिस्कस करेंगे डेफिनेटली मैं कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पे फास्ट जाने की मैं, मैंने कोशिश किया है ताकि मैं जल्दी से जल्दी अप कर पाऊँ क्योंकि बहुत सारे रिक्वेस्ट मिल रहे हैं कि मतलब हम लोग को सिलेबस खत्म करना है बिफोर नवंबर बिकॉज दिसंबर को आपका एग्जाम है और मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वीक को होने वाला है तो आई एम ट्राइंग टू कवर इट आप वेरी सून एज पॉसिबल और और एक न्यूज़ है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि अगले हफ्ते से जो फेसबुक ग्रुप है हमारा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन भी किया है तो हम लोग कोशिश करेंगे अगले हफ्ते से हैंड रिटन नोट्स वहाँ पे अपलोड कर पाएँ ताकि आपके एग्जाम्स में वो थोड़ा बहुत भी आपको हेल्प कर पाए ठीक है So, this is the video, guys. Hope you have understood the basic plot summary and the critical analysis from stanza 13 to stanza 18. In case if you have any other doubts regarding any particular stanza or a particular line of this poem, do feel free to comment below in the comment section. We'll definitely do try to cover the topic up. And if you have any other ideas or any other topics that you want to suggest us and which you are facing trouble to understand, do comment and suggest us. We always welcome such endeavors. And as usual, God bless you and thank you all.